हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिक्सर एंड एलिगेशन। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, मिक्सर एंड एलिगेशन जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, चाहे वो IBPS हो, SSC हो, रेलवे हो या UPSC CSAT हो। इवन प्लेसमेंट ट्रेनिंग्स में भी आपको मिक्सर एंड एलिगेशन से क्वेश्चन मिलेंगे। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इसका अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज़रूरी है। तो इसको हम लोग समझते हैं और यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इट कैन कंटेन्स ए मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 7:5। मीन्स एक कैन है जिसमें मिक्सचर है दो लिक्विड का, और वो लिक्विड है ए एंड बी, और इनका रेशियो भी दिया हुआ है, 7:5 रेशियो दिया हुआ है। देखिए, अगर आप इसको नॉर्मल मेथड से कीजिएगा तो ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है एक आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन है, और अगर आप इसको नॉर्मल मेथड से कर रहे हैं तो ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसको शॉर्ट मेथड से कैसे करते हैं, जितना कम से कम समय में इसको हम सॉल्व कर पा रहे हैं। तो एक मिक्सर, एक कैन है जिसमें मिक्सर है ए एंड बी लिक्विड का। देखिए, ए एक लिक्विड है एंड बी एक लिक्विड है, इनका 7:5 रेशियो दिया हुआ है। नेक्स्ट लाइन क्या बोल रहा है, व्हेन 9 लीटर ऑफ मिक्सर आर ड्रॉन ऑफ। 9 लीटर ऑफ मिक्सर को क्या किया जा रहा है, निकाल दिया जा रहा है। ठीक है, पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं और फिर इन डिटेल में जाके इसको सॉल्व करते हैं। सो व्हेन 9 लीटर ऑफ मिक्सचर आर ड्रॉन ऑफ एंड कैन इज फिल्ड विथ मिक्सचर बी। सो 9 लीटर मिक्सचर को निकाला जाता है और फिर 9 लीटर से इसको फिल किया जाता है, लेकिन उसमें क्या होगा, सिर्फ मिक्सचर बी से, तब जो है इनका रेशियो क्या हो जाता है, 7:9 का रेशियो हो जाता है। अब देखिए, इसको एक बार और समझते हैं। एक कैन है, उसमें ए एंड बी लिक्विड है, और इनका रेशियो दिया हुआ है 7:5। इसमें से क्या किया जा रहा है, मिक्सचर को निकाला जा रहा है। जब मिक्सचर को निकालने के लिए बोल रहा है, इसका मतलब हम दोनों लिक्विड में से निकाल रहे हैं। सो 9 लीटर जो है दोनों में से निकाल रहे हैं, और हम लोग जितना निकाल रहे हैं उतना ही फिल कर रहे हैं, किससे, बी से। सपोज मान लीजिए ए जो है मिल्क है और बी जो क्या है, वाटर है। तो जब हम लोग मिक्सचर को निकालेंगे तो उसमें से मिल्क एंड वाटर दोनों निकल जाएगा, लेकिन जब हम इसको फिर से फिल कर रहे हैं उतना ही अमाउंट में जितना निकाले थे, और उस क्या चीज़ से फिल कर रहे हैं, सिर्फ हम लोग वाटर से फिल कर रहे हैं। तो इनका जो रेशियो है वो चेंज होकर कितना हो जा रहा है, 7:9 हो जा रहा है। देखिए, एक चीज़ आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग मिक्सचर को निकाल रहे हैं 9 लीटर, तो जो हम लोग निकाल पाते हैं ए और बी का रेशियो, वो 7:5 ही होगा। जैसे 9 लीटर इसमें से निकाला, तो किस रेशियो में हम लोग निकालेंगे, 7:5 में। मतलब अगर हम कहते हैं कि रेशियो चेंज नहीं होगा, अगर आप मिक्सचर को निकालते हैं, अगर आप मिक्सचर को निकालते हैं तो जिस रेशियो में वो मिक्सचर है उसी रेशियो में आप उतना निकाल पाते हैं, और जो बचता है वो भी सेम रेशियो में होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको जो है दिमाग में रखना पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जिस रेशियो में आपका मिक्सचर है उसी रेशियो में हम लोग उसको निकाल पाते हैं, और जो बचता है वो भी क्या है, उसी रेशियो में बचता है। लेकिन यहाँ पे आपका रेशियो क्यों चेंज हो रहा है, देखिए हम लोगों ने निकाला 7:5 में, बचना भी चाहिए 7:5 में। यहाँ पे जो रेशियो है वो चेंज हो रहा है इसलिए क्योंकि हम लोग वाटर को ऐड कर दे रहे हैं। अगर इसको हम लोग ऐड नहीं करते, अगर कुछ चेंजेस नहीं करते, तो जितना निकाले हैं बचता उतना ही, लेकिन हम लोग जितना निकाले हैं और जो बच रहा है, जो मिक्सचर हो जा रहा है, वो दूसरा हो जा रहा है, 7:9 का हो जा रहा है, इसलिए क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, 9 लीटर वाटर को ऐड कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए, टोटल क्वांटिटी तो दिया हुआ नहीं है, और टोटल क्वांटिटी मान लेते हैं कि हम लोगों को क्यू जो क्या था, टोटल क्वांटिटी था, और हम लोग निकाल कितना रहे हैं, 9 लीटर हम लोग वहाँ से निकाल रहे हैं। ठीक, और यहाँ से कितना था, ये 9 लीटर जो है हम लोग ऐड कर पा रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ लिक्विड ए वॉज कंटेंट बाई द कैन इनिशियली। मतलब बिगिनिंग में जो ए जो लिक्विड था वो कितना लीटर था, ये आपको बताना है। तो हम लोग मान लिए कि टोटल जो क्वांटिटी था वो क्यू था, यहाँ पे लिख भी लेते हैं, टोटल क्वांटिटी कितना था, क्यू था। उसमें से 9 लीटर मिक्सचर को हटा दिया गया, और जो बी है वो क्या किया गया, 9 लीटर ऐड कर दिया गया, और जो हमको फाइनल रेशियो मिलता है वो क्या होता है, 7:9 का। अब देखिए, हम लोग यहाँ पे एलिगेशन रूल लगा लेते हैं। एलिगेशन रूल में क्या बोलता है कि जब दो मिक्सचर को ऐड किया जाता है वहाँ पे हम लोग इस रूल को लगा सकते हैं। तो आप लिक्विड ए या लिक्विड बी दोनों में से किसी एक को लेके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो लिक्विड ए मान लेते हैं, लिक्विड ए है यहाँ पे, तो लिक्विड ए कितना है,
सेवन बाई ट्वेल्व है। देखिए यहाँ पे अगर लिक्विड ए की बात करें तो लिक्विड ए सेवन पार्ट है, टोटल कितना पार्ट है, 12 पार्ट में से लिक्विड ए सेवन पार्ट है, ठीक है। अब जो दूसरे कैन की हम लोग बात करें तो उसमें लिक्विड ए कितना है, तो दूसरे कैन में लिक्विड ए तो है ही नहीं, सिर्फ हम लोग लिक्विड बी को ऐड कर रहे हैं, तो ये कितना है, 0 लीटर है। और जो मिक्सर में अगर हम लोग देखें जो बच रहा है हम लोग का, जो बचने के बाद रेशियो कितना है, तो बचने के बाद जो आपका रेशियो है वो 7:9 का है, तो इसमें लिक्विड ए कितना है, 7 है, और टोटल कितना है, 16। तो 16 में से 7 पार्ट क्या है, लिक्विड ए का है, जो कि हम लोग के रिजल्टेंट मिक्सचर में है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इनका रेशियो निकालेंगे। तो जो रेशियो आएगा, देखिए यहाँ से जब इसको सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो 7:16 हो जाएगा, और यहाँ पे जब आप कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 7:48 आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 7 और 7 क्या हो गया, कैंसिल आ गया। देखिए आपको हो सकता है कि यहाँ पे माइनस और प्लस है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे एलिगेशन रूल में चीपर और डियरर लेके सॉल्व नहीं किया है। देखिए अगर देखिएगा तो चीपर ये है और क्या डियरर ये है, तो हम लोगों ने उसको फॉलो नहीं किया है। तो अगर हम उसको फॉलो नहीं करते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इसलिए नहीं है क्योंकि जो भी वैल्यू आता है वो माइनस और प्लस में आएगा, तो माइनस यहाँ पे आप उसको इग्नोर कर दीजिए, बस आपको कुछ नहीं करना है। और अगर आप उस माइनस को नहीं चाहते हैं तो आपको चीपर और डियर जो क्या है वो प्रॉपर वे में लेना पड़ेगा। अब देखिए ये क्या हो गया, 1/16:1/48। अब यहाँ से ये क्या हो गया, 1 16 से ये 3 मरतबे चला जाएगा, तो 1:1/3। आप 3 क्या कीजिए, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3/1:3 और यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो देखिए 3 3 कैंसिल हो गया, मतलब जो फाइनल में जो क्वांटिटी था, तो हमारा जो रेशियो है वो यहाँ पे 3:1 आता है। 3:1 रेशियो का मतलब है जो इनिशियल क्वांटिटी का जो मिक्सचर था वो क्या था, 3:1 के रेशियो में था। मतलब मान लीजिए आप इसको, ये x था और ये y था, तो x और y का जो इनिशियल क्वांटिटी का जो रेशियो था वो क्या था, 3:1 था। तो हम लोग इसको यहाँ से लिख सकते हैं, क्वांटिटी x का डिवाइड बाई क्वांटिटी y का, और इनका रेशियो क्या दिया हुआ है, 3:1 दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ से ये क्यू माइनस 9 इसका स्टू कितना हो गया, 27 हो गया। तो क्यू इसका स्टू कितना हो गया, 27 + 9 36 लीटर। तो जो इनिशियल जो क्वांटिटी था, जो टोटल क्वांटिटी था वो कितना था, ये हमारा क्या हो गया, टोटल हो गया, क्योंकि हम लोगों ने शुरू में टोटल क्वांटिटी क्या किया था, क्यू एज्यूम किया था। तो टोटल क्वांटिटी जो है हम लोग को आ गया 36 लीटर। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इनिशियल क्वांटिटी आपको लिक्विड ए का बताना है। तो देखिए टोटल हुआ 36, और अगर आप ए का देखें तो ए के सामने 7 डिवाइड बाई टोटल कितना है, 7 + 5 = 12। मतलब 12 पार्ट में क्या था, 7 पार्ट ए का है, और टोटल क्वांटिटी हमारा कितना आ गया, 36 लीटर। तो ये हो गया 12 + 36, और 3 7 कितना हो गया, 21 लीटर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है RS अग्रवाल का मिक्सर एंड डेलीगेशन का, और जो थोड़ा बहुत ट्रिकी है, मतलब ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।